डियर स्टूडेंट्स, पिछले एपिसोड में हम लोगों ने 64वीं बीपीएससी जो आने वाली नई वैकेंसी है उससे संबंधित बातें की थी और उसके बाद आपकी ओर से प्रश्नों का अंबार लग गया। ये सही भी है, जायज़ भी है, क्योंकि जब आप तैयारी की इस अवस्था में होते हैं तो कई सारे प्रश्न आपके दिमाग में आते हैं और कई बार उनके एप्रोप्रिएट जवाब नहीं मिलने के कारण चिंताएँ बढ़ जाती हैं। तो ये जायज़ था, आपके प्रश्न कई सारे आए और इसलिए हमारी ओर से ये जिम्मेदारी बन गई कि इनका जवाब ज़रूरी है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक इन्फॉर्मेशन ये है कि इसके बाद एक एपिसोड आएगा आपका 12 बजे तक, रात 12 बजे तक, उससे पहले आ जाएगा, जिसमें आपका 30 क्वेश्चंस का एक टेस्ट होगा। और इस टेस्ट को आयोजित करने का उद्देश्य ये है कि आप अभी वर्तमान में, चूँकि हम लोग तैयारी शुरू कर रहे हैं, तो आज के दिन में आपकी स्थिति, आपका स्टेटस क्या है। मेरी चिंता उन सारी छात्र या छात्राओं के साथ है जो दरअसल वाकई जिन्हें मदद की ज़रूरत है और जिन्हें तैयारियों में सपोर्ट चाहिए और जो दूर दराज के क्षेत्रों में रहते हैं या फिर जिनके पास समय का अभाव है या फिर जिनके संसाधन सीमित हैं। तो ऐसे छात्रों का एक टेस्ट आयोजित होगा 30 क्वेश्चंस का। आप इनके जवाब दें और बताएं कि आपने कितने स्कोर किए हैं। ये जारी होंगे 12 बजे से पहले तक। और उसके बाद परसों से, डे आफ्टर टुमारो, परसों से हम लोग का क्लास चलेगा, एक रूटीन क्लास देखेंगे हम लोग, थोड़ा सा इनफॉर्मल वे में ही हम लोग करेंगे। धीरे धीरे अंदाज लग जाएगा कि मोड ऑफ स्टडी, मोड ऑफ प्रिपरेशन क्या होगा। ये धीरे धीरे परत दर परत खुलते जाएंगे, आपको पता चलते जाएगा कि हम लोग किस तरह से इस तैयारी को आगे बढ़ाएंगे। और अंततः जब एग्ज़ाम होगा तब हमारा क्लाइमेक्स उस वक्त क्या होगा। तो ये बातें हम लोग करेंगे। लेकिन आज जो आपके सारे प्रश्न आए वो बड़े गंभीर थे और बहुत महत्वपूर्ण थे, जिनमें एक सबसे बड़ा प्रश्न ये था कि सब्जेक्ट कौन सा चुने। क्योंकि जब आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो पीटी और मेंस दोनों की बातें होंगी, तो सबसे इम्पॉर्टेंट हो जाता है सब्जेक्ट का चुनाव, उसमें मीडियम क्या हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो या कोई और इस तरह का। तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो ऑप्शनल को लेकर है आपका सब्जेक्ट वैकल्पिक विषय, चूँकि बीपीएससी में एक सब्जेक्ट होगा आपका कोई वैकल्पिक विषय जो आप चुनेंगे और दो उसमें जनरल स्टडीज़ के पेपर होंगे। तो जो ऑप्शनल पेपर है वो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, आपको उस सब्जेक्ट को कौन सा सब्जेक्ट के रूप में चुनना चाहिए ये एक महत्वपूर्ण बात है। इम्पॉर्टेंट ये है कि सब्जेक्ट चुनते समय आप दरअसल अपने बैकग्राउंड को देख लेते हैं और कई बार उस बैकग्राउंड के आधार पर अपने ऑप्शनल का चुनाव करते हैं। ये उतना सही तरीका नहीं है। मतलब ये कि आपने एमए किया है या आपके पुराने उस विषय से जुड़ाव रहे हैं तो आप उस आधार पर बायोलॉजी ले रहे हैं, इंजीनियरिंग का कोई सब्जेक्ट ले रहे हैं या इस तरह की बातें। मेरा मानना है कि सब्जेक्ट चुनते समय आपको जो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है वो है आपका इंटरेस्ट। जिस भी सब्जेक्ट को आप लेने जा रहे हैं ये एग्ज़ाम में आपके लिए बड़ा ही निर्णायक होने वाला है और इसमें ज़रूरी है कि आपका उस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट हो। इंटरेस्ट होगा तो उसमें आपका डेवलपमेंट मल्टीफोल्ड दिखेगा, आपको आप कम भी पढ़ेंगे तो उसमें आपको समझ में आसानी से और जल्दी आएगा। तो पहला ऑप्शनल चुनते समय जो ध्यान देना चाहिए जिस फैक्टर की तरफ वो है आपका इंटरेस्ट। और दूसरा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मोस्ट वाइटल फैक्टर कि आपका उस सब्जेक्ट में कोई गाइड हो, कोई बताने वाला हो, दिशा निर्देशन कहीं से आपको मिल रहा हो। क्योंकि अगर गाइड आपको नहीं मिलेगा, दिशा बताने वाला अगर नहीं रहेगा, थोड़ा सा हेल्प कर देने वाला नहीं मिलेगा तो फिर आप उस सब्जेक्ट को पार नहीं लगा पाएंगे। सेल्फ स्टडी ठीक है, लेकिन सेल्फ स्टडी के लिए भी आपको पीछे से कोई पुश करने वाला होना चाहिए, क्योंकि जब क्वेरीज आएंगे, प्रश्न आपके दिमाग में उठेंगे तो फिर उनका जवाब मिलना ज़रूरी है। तो आप पहला इंटरेस्ट, दूसरा एक अच्छा गाइड, वो आपके फादर हो सकते हैं, आपके भाई हो सकते हैं, या आपका कोई मेंटर हो सकता है, कोई टीचर हो सकता है, कोई संस्थान हो सकता है, कोई भी हो, कोई फ्रेंड हो सकता है, कोई भी हो सकता है, एक समूह हो सकता है। तो आप इंटरेस्ट के साथ उस सब्जेक्ट से संबंधित आपका सपोर्टिव फैक्टर्स कौन कौन है उस पर ज़रूर आपको ध्यान देना चाहिए। और तीसरा है कि उस सब्जेक्ट से संबंधित जो कंटेंट है, बुक्स हैं, वो मार्केट में अवेलेबल है कि नहीं। कोई ऐसा गुड़ विषय आप ना ले लें कि उसे संबंधित, जैसे साइकोलॉजी,
साइकोलॉजी में इंग्लिश में ही बुक आपको मिलेंगी, मार्केट में हिंदी में साइकोलॉजी की अच्छी किताबें नहीं हैं। तो आपने साइकोलॉजी एमए में रखा था, ग्रेजुएशन किया था और आपने इस सब्जेक्ट को चुन लिया, तो फिर ये परेशानी आगे खड़ी कर सकती है। और इंटरेस्टिंगली हमारे एक मित्र ने सब्जेक्ट चेंज करके सोशियोलॉजी से साइकोलॉजी रखा, चूँकि नंबर इसमें अच्छे आते हैं, और उन्हें मात्र 200 में 20 मार्क्स मिले थे जब मेंस उन्होंने दिया था, जबकि बहुत अच्छे छात्र वो थे। और वो चौंक गए जब उन्होंने मार्क्स देखा, चूँकि उसका कंसेप्ट उनके पास नहीं था, उस सब्जेक्ट को चेंज किया और फिर उस पर कंसेप्ट वो अपना नहीं बिल्डअप कर पाए। तो ये बातें इंपॉर्टेंट है सब्जेक्ट चुनते समय। सबसे इंपॉर्टेंट है आपका ये तीन फैक्टर, इंटरेस्ट, गाइड एंड बुक्स, अवेलेबिलिटी ऑफ बुक्स इन द मार्केट। तो ये तीन चीज अगर आप मिल जाती हैं जहां पर, वहां पर उस सब्जेक्ट का आप चुनाव कर सकते हैं। एक बात, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं या साइंस से, बायोलॉजी से आप किए हुए हैं, फिजिक्स से किए हुए हैं, ये ऑप्शन चुन लेना मेरे हिसाब से उतना एप्रोप्रिएट नहीं है। एक छात्र ने बल्कि एक प्रश्न किया था इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से, वो हैं और भी कई लोग होंगे, तो अगर उस सब्जेक्ट पे आपका वाकई बहुत पकड़ है और बहुत अच्छा आप अनुभव करते हैं उस पे, आपने उसमें प्रीवियस एग्जाम्स में या इस तरह के प्रिपरेशन में आपने बहुत अच्छा किया है, तो आप उस सब्जेक्ट को रख सकते हैं। आपका कॉन्फिडेंस उस पे बहुत है, आप बिल्कुल आप महसूस करते हैं कि हाँ उस सब्जेक्ट में मुझे कोई चिंता नहीं है, तो आप रख सकते हैं इंजीनियरिंग, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री। लेकिन मेरा मानना है कि ह्यूमैनिटीज से ज़्यादा लोग प्रेफर करते हैं। इवन मैंने देखा है आईआईटी से पास आउट लोग हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, ज्योग्राफी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ये सब सब्जेक्ट रखते हैं। अब बात आती है, तो मेरा ये मानना है कि आप इंजीनियरिंग या बायोलॉजी इस तरह के सब्जेक्ट हैं, तो बेहतर है कि कोई इस तरह का सब्जेक्ट आप लें जिसमें आपको, जिसमें लोगों का अच्छा खासा इंट्रैक्शन है, सपोर्ट है, मार्केट में उसके बुक्स अवेलेबल हैं। एक इंपॉर्टेंट बात है बिहार से संबंधित, जब आप बीपीएससी का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो यहाँ पर सब्जेक्ट कुछ और नज़रिए से सिलेक्शन में आपको बहुत सजग रहना होगा, बहुत ध्यान देकर के सब्जेक्ट का चुनना होगा। बीपीएससी में एक जो सबसे लोकप्रिय विषय है वो है एलएसडब्ल्यू, यानी लेबर एंड सोशल वेलफेयर। कुछ चुने हुए प्रश्न होते हैं, आपको उन्हें बस रट लेना है और उसको थोड़ा सा अपडेट करते रहना है। ये एक अच्छा मार्क्स फेचिंग पेपर है बिहार का एलएसडब्ल्यू। सिलेबस बहुत छोटा है, ये भी बातें हैं, लेकिन मेरा ये मानना है कि बीपीएससी में ज्योग्राफी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पॉलिटिकल साइंस, हिंदी लिटरेचर, उर्दू, पर्शियन, पाली, ये सब सब्जेक्ट बहुत अच्छे मार्क्स इसमें आते हैं और लोग अच्छा करते हैं। तो ये सब्जेक्ट आप बीपीएससी में अगर इस तरह का सपोर्ट आपको है, आप चुनना चाहते हैं, ये इनमें से कोई एक सब्जेक्ट आप रख सकते हैं। देखिए, जहाँ तक मेरा सपोर्ट आप तक रहेगा वो है कि हमारा सब्जेक्ट हिस्ट्री और हिंदी लिटरेचर रहा है। इन दो सब्जेक्ट्स में बहुत अच्छा गाइडेंस हमने अपने जानने वालों को, जिन्होंने मांगा, मैंने दिया है और इसमें मेरी ओर से कोई परेशानी नहीं है। हिस्ट्री अगर कोई सब्जेक्ट कोई रखना चाहता है तो फिर उसमें हमारी तरफ से जहाँ तक संभव होगा बहुत अच्छा सपोर्ट मिल सकता है। हिंदी लिटरेचर बहुत अच्छे नंबर्स आते हैं, वो भी एक अच्छा सब्जेक्ट, लेकिन फिर वहाँ पर बात आ जाती है कि साहित्य है, लिटरेचर है, तो फिर आपकी जो शुद्धता है आपके राइटिंग्स में वो सब होनी चाहिए, थोड़ा हिंदी पे पकड़ होनी चाहिए, तभी आप हिंदी लिटरेचर रखें। तो हिस्ट्री अच्छा, ज्योग्राफी एक बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, एलएसडब्ल्यू बहुत अच्छा सब्जेक्ट है बीपीएससी के लिए, पबैट जो है एक बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, पाली बट डिफरेंट, पाली बुद्धिज़्म से जुड़ा हुआ सब्जेक्ट है, लैंग्वेज है, तो पाली में नंबर अच्छे आते हैं, लेकिन वहाँ पर फिर बात आ जाती है कि उसमें गाइडेंस वगैरह की कमी फिर हो जाएगी। बीपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से एलएसडब्ल्यू, ज्योग्राफी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, उर्दू, पर्शियन, हिंदी लिटरेचर, ये सब सब्जेक्ट आप रख सकते हैं, बहुत अच्छे नंबर्स आते हैं। आप अपने कमेंट्स देते रहेंगे, उस पर जहाँ तक संभव होगा मेरे जवाब भी आपको मिलते रहेंगे। दूसरी बात आती है इंग्लिश और हिंदी मीडियम की। जो लोग इंग्लिश मीडियम के हैं, मीडियम का कोई प्रॉब्लम नहीं है। बिहार में एक प्रॉब्लम ये हो जाता है कि उस मीडियम से संबंधित किताबें या सर्किल नहीं मिलता, तो एक समस्या होती है, थोड़ा सा इंडिविजुअलिटी आपकी आ जाती है, आपको सेल्फ स्टडी उसमें ज़्यादा डिपेंडेंट होना पड़ेगा, गाइडेंस कम मिलेगा, हिंदी मीडियम का माहौल ज़्यादा है।
इंटरव्यू में कुछ लोग बोल रहे थे इंग्लिश में बोलना चाहिए, नहीं तो ये सब मैटर नहीं है। इंग्लिश में बोल लेने से ही अच्छे नंबर आ जाएंगे ज़रूरी नहीं है, हाँ अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है, पर इंटरव्यू में अच्छी हिंदी या अच्छा मदर टंग जो मदर लैंग्वेज है आप उसमें बहुत अच्छा एक्सप्रेस करके अच्छे नंबर ला सकते हैं। तो सब्जेक्ट से रिलेटेड आप इस बात को क्लियर कर लें कि आप इनमें से कोई सब्जेक्ट चुन सकते हैं जो मैंने आपको बताया, अच्छा रहेगा। मार्केट में बुक्स भी अवेलेबल हैं, गाइड भी मार्केट में अच्छे मिल जाते हैं, लोग आपके सराउंडिंग्स में भी, आपके घरों में, आपके सराउंडिंग्स में, फ्रेंड सर्किल में इससे संबंधित सर्किल भी मिल जाता है, तो इसे आप चुन सकते हैं। आप बायोलॉजी या कोई मैकेनिकल इंजीनियरिंग इस तरह के सब्जेक्ट्स में मेरे हिसाब से उतना न पढ़े तो बेहतर है, और मीडियम का दिक्कत नहीं है। इंग्लिश मीडियम वाले को बुक्स से संबंधित परेशानियां होगी, मार्केट में उतनी अच्छी किताबें उस किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट से शायद ना मिल पाए, तो हिंदी मीडियम वहां पर फिर सही रहता है। तो ये आप सब्जेक्ट को चुनते वक्त रखें। हम लोग प्रिपरेशन का मोड ये रखेंगे कि पीटी कम मेंस दोनों चलेंगे, जैसे जैसे एपिसोड्स आगे बढ़ेंगे सब क्लियर होता जाएगा, आपके मन में कोई दुविधा नहीं रहेगी। हम लोग स्टेप बाय स्टेप ये देखते हुए चलेंगे कि कैसे सब कुछ पीटी और मेंस दोनों का बैलेंस बनाकर आगे चलें। केवल पीटी ही सही नहीं रहेगा, आपकी तैयारी जब हम एग्जाम को निकालने का सोच रहे हैं तो प्रिपरेशन भी हम कंबाइंड फॉर्म में करेंगे। ये बातें आप ध्यान में रख लें। तो यही बातें हैं, आप सब्जेक्ट का चुनाव करते वक्त सजग रहें, और बुक्स की फिर आती है बिहार से संबंधित किताबों को लेकर बहुत क्वेरीज हैं, तो बिहार से संबंधित फिर से हम कहेंगे कि आप क्राउन का बिहार स्पेशल ले लें, क्राउन पब्लिकेशन की। आप ये न समझें कि मैं किसी का प्रचार कर रहा हूँ, मैं इतना बड़ा आदमी नहीं हूँ कि मैं किसी सब्जेक्ट का, मैं किसी पब्लिकेशन का कोई प्रचार करूँ और पैसे कमा लूँ, ऐसी बात नहीं है। लेकिन मैंने देखा है इन कंपैरिजन टू अदर्स, ऐसे बिहार पे इम्तियाज़ अहमद की बुक पहले बहुत अच्छी आती थी, अभी भी आती है। इम्तियाज़ अहमद की बुक आप बिहार पे ले सकते हैं, लेकिन आप नहीं तो क्राउन की बुक अभी वर्तमान में आप ले लें, बिल्कुल ये अच्छी बुक है बिहार स्पेशल पे। और फिर आप चिंता ना करें, हम हैं, आपको गाइडेंस पूरा मिलेगा, चिंता आपको नहीं करनी है, पढ़ना भी बहुत नहीं है। आप अपने रूटीन पे रहें, 2 से 3 घंटे आप केवल निकाल लें, और ज़्यादा आप निकाल लेते हैं तो नो डाउट आपका प्रोग्रेस मल्टीफोल्ड होगा, तो वहाँ पर वो तो कहना ही नहीं है। लेकिन आप दो घंटे भी आप अगर निकाल लेते हैं, 2 से 3 घंटे निकालिए, और जो भी वर्किंग क्लास लोग हैं उनके लिए टाइम का प्रॉब्लम हो जाता है, 2 घंटे आप निकालें और हमारे वीडियोस को आप देखते रहें, ज़रूर हम लोग आगे बढ़ेंगे। बहुत क्वालिटी बेस्ड हम लोग यहाँ पर स्टडी करेंगे, और आप देखेंगे कि एग्ज़ाम आने तक आपको बहुत कुछ बहुत कंसाइज फॉर्म में मिलेगा। हम लोग निसंदेह इस पर बहुत तेज़ी से और बहुत ही रिजल्ट ओरिएंटेड ढंग से आगे बढ़ेंगे। तो इस एपिसोड को यहीं पर रखते हैं, आपके जो भी क्वेरीज हैं आप हमें भेजें, जहाँ तक संभव होगा हम जवाब भी देंगे। हालांकि हमारी भी अपनी व्यस्तताएं हैं, लेकिन हम लोग साथ भी चलेंगे, और इससे पार करना है इस बार BPSC में एक सीट अपने लिए सुरक्षित करना है, एक नौकरी BPSC के थ्रू लेना है। मैंने देखा है कि लोग सूमो में घूम रहे हैं बॉडीगार्ड्स लेकर, बहुत ही साधारण लोग थे, लेकिन थोड़ी सी तैयारी उन्होंने ऑर्गेनाइज ढंग से की और आज वो एक अधिकारी के रूप में समाज में, घर में, देश में, राज्य में अपना नाम रोशन कर रहे हैं। तो आप बिल्कुल, मैं वैसे लोगों को खासकर बोलना चाहूँगा जो थोड़ा डिस्करेज रहते हैं, अपने आप को आप स्ट्रांग करें, आत्मनियंत्रित बने, और ये सब निगेटिविटी को दिमाग से निकाल दें। 6 महीने की तैयारी के बाद दशा और दिशा दोनों बदल जाएगी। ठीक है, टेक केयर, अपना ध्यान रखें, मुझे इजाज़त दें। अगले एपिसोड में हम लोग और भी बातें करेंगे, और सब्जेक्ट को किस तरह से आगे बढ़ाएंगे इस पर बहुत कुछ बातें होंगी। टेक केयर। 12 बजे रात के अंदर एक आपका टेस्ट का एक सीरीज़ आएगा, उसे आप दें, और क्लास परसों से 2 दिन बाद यानी कल के बाद परसों से शुरू होगा। रात 8 बजे तक आपको एपिसोड्स पॉसिबली मिलते रहेंगे, और उसके बाद हम लोग आगे इस पे बातें करेंगे। ठीक है, टेक केयर।